हेलो गाइस, मैं चंदू पुगलिया स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल कुक टू लिव में। आज मैं आलू की सब्जी लाई हूँ। सुनने में तो बड़ी आम लगती है क्योंकि आलू की सब्जी में क्या खास बात है, लेकिन जब आलू की रस्सेदार सब्जी को आप मेरे स्टाइल में बनाकर देखिएगा, कुछ भी ज्यादा लफड़ झफड़ नहीं है, बड़ी सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में उतनी टेस्टी है। चलिए मेरे स्टाइल के आलू की सब्जी बनाते हैं। एक पैन में तेल गरम करेंगे, जीरा राई और हींग डालेंगे। देखिए अदरक के सिवा इसमें मैंने कुछ भी अलग नहीं डाला है, फिर भी ये सब्जी अपने आप में लाजवाब है। ज्यादा सी अदरक हम इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर आधी गिलास पानी डाल देंगे। पानी के साथ ही हम इसमें दो हरी मिर्चें डाल देंगे। जैसा कि आपको पता है मैं साबुत हमेशा यूज करती हूँ, जिससे वो उछलेगी नहीं। अब नमक के सिवा मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर सब मसाले डालकर मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्याज, टमाटर, लहसुन जैसे कि हम आमतौर पर डाला करते हैं डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस सब्जी को बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें मसालों का, अदरक का और आलू का जो स्वाद आता है ना, और गाढ़ा रस्सा एकदम घुल जाता है, तो ये सब्जी अपने ओरिजिनल वे में ऐसे कैसे बहुत टेस्टी लगती है। एक बॉयल आ जाएगा तब हम उसमें उबले हुए आलू काट कर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, बाकी हम बाद में स्वाद के अनुसार एडजस्ट करेंगे। नमक डालकर और ढक्कन लगाकर इस आलू को इस रस्से में कुक होने देंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। मैंने अमचूर की खटाई भी नहीं डाली है क्योंकि मैं मतलब कम से कम दूसरी चीजें रख के एक फ्लेवरफुल चीज बनाना चाहती हूँ। आप मर्जी आए तो अमचूर डाल सकते। जब आलू इसमें घुल जाएंगे तो एकदम ये तेल छोड़ देगा और गाढ़ा हो जाएगा, उस टाइम हमारी सब्जी तैयार है। अब एक पैन में हम बिल्कुल एक चम्मच तेल गरम करेंगे। गरम तेल में एकदम थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर इस तड़के को हम इस सब्जी पर डाल देंगे। जब इस तड़के को हम सब्जी पर डालेंगे तो बड़ा सुंदर सा कलर आ जाएगा और देखते ही खाने का मन करेगा। और ये सब्जी इतनी टेस्टी होती है कि आप फुलके के साथ तो खाएंगे ही, बाद में आपको मन करेगा कोरी भी आप स्पून से खाते रहें, तो बहुत प्यारी सब्जी है। नेक्स्ट टाइम आप आलू की सब्जी मेरी रेसिपी से बनाकर देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।